Now we are going to discuss about the scientific nature of psychology. अब हम साइकोलॉजी के साइंटिफिक नेचर के बारे में समझेंगे कि क्या है ये। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो कंटेम्पररी साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने हमेशा साइकोलॉजी को एक साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में डिफाइन किया है, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। बट क्या साइकोलॉजी क्या है, साइंस किस प्रकार है, साइंस क्या है, वो फिजिक्स की तरह है, केमिस्ट्री की तरह है, बायोलॉजी की तरह है, या जूलॉजी की तरह है, या कुछ अलग प्रकार के साइंस है। तो इस सेक्शन में हमें ऑथर ने यही बताने की कोशिश की है, और इसमें हम डेफिनेशन समझेंगे साइंस का, और उसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस समझेंगे, और यह समझने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी एज अ साइंस, साइकोलॉजी कैसे साइंस है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन दिए गए हैं साइंस के बारे में। तो साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज गैदर थ्रू केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट। तो यह फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है साइंस के बारे में। तो इसमें यह कहा गया है कि साइंस क्या, एक साइंस इज़ अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे सिस्टमेटाइज्ड का मतलब व्यवस्थित, और जो नॉलेज है और गैदर थ्रू केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग, जिसे गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है केयरफुली ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग इवेंट्स के थ्रू। और सेकंड डेफिनेशन इसका है कि साइंस इज अप्रोच टू नॉलेज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। ये डेफिनेशन 1998 में लेही नाम के व्यक्ति ने दी थी। तो इसका मतलब यह है कि जो विज्ञान है वो ज्ञान के लिए एक दृष्टिकोण है जो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। इस डेफिनेशन का यह मतलब है क्या है, ये कि विज्ञान जो है वो ज्ञान के लिए, ज्ञान मतलब नॉलेज के लिए एक दृष्टिकोण है, यह नॉलेज का एक दृष्टिकोण है जो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है, जिसे हम व्यवस्थित रूप से ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, जो व्यवस्थित ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है, ठीक है। और जो सोल एम है, सोल एम ऑफ साइंस, तो सोल एम जो है साइंस का, मटेरियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट फिनोमिनन घटनाओं को क्लासीफाई अंडरस्टैंड यूनिफाई करना है। तो वो जो इस पूरे विश्व के ऑब्जेक्ट एंड घटनाओं का मतलब, ठीक है, फिनोमेना को क्लासीफाई अंडरस्टैंड एंड यूनिफाई मतलब एकीकृत, क्लासीफाई मतलब वर्गीकृत, अंडरस्टैंड मतलब एज यू नो, तो ये करना है। और इसके लिए एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, लॉजिक एंड इंट्यूशन के कम्बिनेशन का उपयोग मतलब करता है या किया जाता है। किस लिए किया जाता है, मटेरियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट फिनोमेना को क्लासिफाई अंडरस्टैंड यूनिफाई करने के लिए,